दोस्तों, बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव पर अब हम आ पहुंचे हैं अपनी पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि से मैं आपको बता दूं, यहां पर बृहस्पति जो होता है पांचवे और आठवें भाव का स्वामी बनता है, जो कि पांचवे भाव से ही गोचर करेगा और जिसके जो मालिक बनते हैं वो सूर्य ही बनते हैं। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहां से बृहस्पति देव नवे, ग्यारहवें और पहले भाव को देखेंगे। ये समय सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सोने के पाए से बृहस्पति देव का ये गोचर होगा। यहां बात कर लेते हैं, प्रत्येक जो भी कार्य पिछले एक वर्ष में इस जातक इस राशि के लोगों ने किया है उनको फल मिलने के योग बन जाएंगे। ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय बृहस्पति देव आपको प्रदान कर रहे हैं। यहां से आपको कुछ कर गुजरने की प्रेरणा बृहस्पति देव देंगे और आपकी संतान से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां भी देंगे, क्योंकि शनि और केतु पहले से ही इस भाव में गोचर कर रहे हैं। घर में कोई धार्मिक कार्य या कोई मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे। जो नए नए विवाहित जोड़े हैं उनको काफी आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो अकेले हैं उनको लाइफ पार्टनर मिलने का योग बन जाएगा, जब बृहस्पति 23 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच जाकर इस राशि से मिलेंगे तो कुछ नए तजुर्बे या कुछ नई बातें इनके जीवन में होंगी। सूर्य का गुरु के साथ जब मिलना होगा और शनि केतु के साथ मिलना होगा तो ये नेटिव यानी ये जो जातक होंगे इनको थोड़ा सा डिसकंफर्ट यानी थोड़ी सी परेशानियां होंगी, स्वास्थ्य में दिक्कतें होंगी और कुछ गलत समाचार भी इनको सुनने को मिलेंगे। वैसे ये जातक बहुत मेहनती लोग होते तो इनको एक अच्छा रिजल्ट मिलने का प्रयास रहेगा। राजनीतिकों को खासतौर से बहुत बड़े पैमाने पर जनता से जुड़ने का योग मिलेगा। खासतौर से सरकारी लोगों को एक नई योग बन रहे हैं, कुछ अच्छी भाग्य से संबंधित चीजें इनकी लाइफ में मिलने का प्रयास रहेगा। इनके जो पिता हैं यानी इस राशि से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके पिताओं को थोड़ा सा अगर आप देखें तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई थी उसमें अच्छे रिटर्न मिलने लगेंगे। साथ ही साथ जो इनकी माताएं काम करती हैं उनको भी अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं इस राशि वालों को तो ये राशि परिवर्तन जो बृहस्पति का हुआ है जबरदस्त तरीके से धन लाभ करवाता हुआ नजर आता है। जो भी वो सोचते आए हैं वो अच्छे काम पे कर पाएंगे। राहु का ग्यारहवें भाव में बैठना वैसे भी अच्छे अनएक्सपेक्टेड धन की प्राप्ति करवा देता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि लगातार जो इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी। जो लोग भूमि के संबंधित केस काम करते हैं या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनको जबरदस्त कामयाबी के योग मिलते हुए दिख रहे हैं। तरक्की होना, नौकरी में काफी कामयाबी के योग बनेंगे। साथ ही साथ बड़े अधिकारियों से इनके संबंध अच्छे बनते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ स्वास्थ्य की। तो अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो थोड़ा सा इनके बच्चों को सेहत संबंधी दिक्कतें होने का योग बनता दिखाई देता है। मानसिक और शारीरिक परेशानियों के साथ साथ नींद से संबंधित परेशानियां होंगी। नींद समय पर नहीं आएगी जिसके वजह से जातक विशेष को पूरे दिन भर में तनाव रह सकता है। संभवतः ऐसा पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी होगा। इनको थोड़ा सा अपने आप ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जिनको गैस से संबंधित परेशानियां हैं उनको काफी हद तक इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी और बढ़ती चली जाएंगी। बात करते हैं उपाय की, तो इनको लगातार मंदिर में जाना बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो इनके पारंपरिक परिवार में जो रीति रिवाज हैं उनका ये पालन करें अच्छा रहेगा। इसके अलावा सूर्य भगवान की पूजा करना या सूर्य मंत्र का जाप, आदित्य हृदय का जाप करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थे बृहस्पति के धनु राशि गोचर में सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभाव। आप सबने सुना, आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।